दो काली जुड़वा बहनों के जादुई हीरो के दांत। अरे लक्ष्मी, ये लो जूस पी लो, मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मुकेश जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने पीने का। लक्ष्मी, तुम्हें तो पता है ना, तुम प्रेग्नेंट हो, तो ऐसे हालत में इस तरह लापरवाही करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए ये लो जल्दी से जूस पी लो। तभी लक्ष्मी की सास कमला कहती है, अरे बहू, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। इतना कहकर मुकेश फटाफट से लक्ष्मी को जूस पिला देता है और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और देखते ही देखते लक्ष्मी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और लक्ष्मी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा काली होती है। और उन्हें देखकर मुकेश डॉक्टर से कहता है, अरे डॉक्टर, क्या ये मेरी ही बेटियां हैं या फिर हॉस्पिटल में आपने किसी और बच्चों से मेरे बच्चे को बदल दिया है। देखिए मुकेश जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं, ये आपकी ही बेटियां हैं और इन्हें आपकी पत्नी ने ही जन्म दिया है। लेकिन डॉक्टर, इन लोगों का तो रंग रूप हम लोगों से बिल्कुल अलग है, इनकी तो शक्ल भी हमसे नहीं मिलती है। देखिए मिस्टर, इंसान का रंग रूप बनाना भगवान का काम होता है, हम इंसानों का नहीं। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटियों को देखकर मुकेश और लक्ष्मी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी कमला भी उनकी शक्ल देखकर उनसे नफरत करने लगती है। हे भगवान, बहू, ये तूने कैसी लड़कियों को जन्म दिया है, इनकी तो शक्ल देखकर ही मुझे डर लग रहा है, जैसे किसी शैतान की बेटियां हो, इसलिए तुम दोनों इन्हें मुझसे दूर ही रखना। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, भले ही इनका रंग काला हो लेकिन ये है तो हमारी बेटियां ही ना। नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं है और मैं इन्हें अपनी बेटी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। और इस तरह मुकेश को अपनी दोनों बेटियों से जरा भी प्यार नहीं था, इसलिए ना तो वो कभी अपनी बेटियों को प्यार से गोद में लेता था और ना ही उन्हें कभी पिता का प्यार मिल पाता था। तभी ऐसे ही समय गुजरता रहता है और जैसे जैसे वो बच्चियां बड़ी होती रहती है वैसे वैसे उनके दांत भी बाहर आने लगते हैं। और ये देखकर कमला कहती है, हे राम, इन मनहूसों की शक्ल क्या कम डरावनी थी जो अब इनके फावड़े जैसे दांत भी बाहर आने लग रहे हैं। पता नहीं माँ, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये दोनों मेरे घर में पैदा हुई थी। और ऐसे ही समय बीतता रहता है और समय के साथ साथ मुकेश की नफरत उन दोनों बच्चियों के लिए और भी बढ़ती जाती है। और इस बीच लक्ष्मी एक सुंदर से बेटे को भी जन्म देती है जिसे देखकर मुकेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियां दिया करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा भी किया करता था। तभी एक दिन, अरे माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें देर हो रही है। अरे बेटा, मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ, मुझे कौन सा लाली लिपस्टिक लगाना है, तू तो बस अपनी पत्नी को बुला ले। मुकेश जैसे ही लक्ष्मी को आवाज लगाता है वैसे ही उसकी दोनों बेटियां उससे आकर कहती है, पिताजी आप सब कहाँ जा रहे हैं, क्या हम भी आपके साथ चले। तुम दोनों चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ और खबरदार जो दोबारा बाहर जाने की बात की तो। उसी समय वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है और वो मुकेश से कहती है, जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ हमारे साथ बाहर क्यों नहीं जाएगी, जब हम सब घर से बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये दोनों घर में अकेले रहकर क्या करेंगी, इसलिए मैं फटाफट से इन दोनों को तैयार करके लाती हूँ, आप जब तक गाड़ी निकाल दीजिए। अच्छा फिर ठीक है, अगर तुम इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो फिर तुम अकेले ही चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। हाँ बहू, अगर ये दोनों हमारे साथ जाएंगी तो ना फिर मैं जाऊंगी और ना ही मेरा पोता। और इस तरह अपने पति और सास के दबाव में आकर लक्ष्मी को उन लोगों की बात माननी ही पड़ती है और फिर वो अपनी दोनों बच्चियों को घर पर छोड़कर ही उनके साथ बाहर घूमने चली जाती है। जिसके बाद सबके जाने के बाद वो दोनों बच्चियां एक कमरे में बंद जोर जोर से रो रही होती है और कहती है, सुनेना, क्या हमारे काले रंग की वजह से पिताजी और दादी माँ हमसे प्यार नहीं करती है, क्या हम इतने ज्यादा बुरे हैं। तुमने ठीक कहा नैना, पता नहीं भगवान जी ने हमें ऐसा क्यों बनाया है, क्यों हर कोई काले लोगों से इतनी नफरत करता है। पता नहीं, शायद अगर आज हम गोरे होते तो पिताजी हमसे भी उसी तरह प्यार करते जैसे वो बिट्टू से करते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चियां रोते रोते सो जाती है और कुछ देर बाद उन्हें अपने सपने में एक सुंदर सी परी दिखाई देती है जो अपने पंख फैलाए उनके सामने खड़ी होती है। अरे आप कौन हो और हम ये कहाँ आ गए हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुनकर आई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए।
क्या सच में? फिर तो आप हमें गोरा और सुंदर बना दीजिए, जिससे हमें भी हमारे पिताजी का प्यार मिल सके। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने अंदर की सुंदरता को खुद पहचानो और अपनी जिंदगी में खुद आगे बढ़ो। और इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपने जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाओगी। इसलिए आज से तुम्हारे ये लंबे दांत हीरे के हो जाएंगे और तुम अपने इन दांतों से जिस भी चीज को छुओगी वो हीरे का बन जाएगा, लेकिन सिर्फ वो चीज जिसे तुम हीरे का बनाना चाहती हो। इतना कहकर वो परी अचानक से गायब हो जाती है और जब कुछ देर बाद वो दोनों बहनें नींद से उठती है तो कहती हैं, क्या ये कोई सपना था? सुनैना, तुमने भी क्या वही परी वाला सपना देखा जो मैंने देखा है? हाँ, वो परी तो मेरे सपने में भी आई थी, कहीं उस परी की बात सच तो नहीं? चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। इतना कहकर सुनैना पानी की बोतल उठाती है और उस पर जैसे ही अपने दांत लगाती है, वैसे ही वो पानी की बोतल हीरे में बदल जाती है। और ये देखकर नैना कहती है, इसका मतलब परी का दिया हुआ वो वरदान कोई सपना नहीं है। अब तो कितना मजा आएगा, और जब ये बात पिताजी को पता चलेगी तो वो भी कितने खुश हो जाएंगे। इतना सोचकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और जब कुछ देर बाद सभी घर वाले वापस आ जाते हैं और वो बच्चियां भागकर अपने पिताजी के पास जाती है, उसी समय मुकेश कहता है, अरे कितना अच्छा दिन गुजारा था आज, लेकिन घर आते ही इन दोनों ने अपनी मनहूस शक्ल दिखाकर पूरे दिन की बैंड बजा दी। अरे मुकेश बेटा, अभी तो लक्ष्मी मंदिर गई हुई है और हमारे पास यही सही मौका है। चल इन दोनों को जंगल के किनारे वाले घर में छोड़ आते हैं, और जब लक्ष्मी आएगी तो कह देंगे कि हमारे जाने के बाद दोनों घर छोड़कर चली गई है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी मैं इन दोनों की शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। इतना कहकर वो दोनों माँ बेटी मिलकर उन दोनों बच्चियों को जंगल के किनारे वाले घर में ले जाकर बंद कर देते हैं। और जब लक्ष्मी मंदिर से वापस आती है तो वो कहती है, अरे नैना सुनैना, कहाँ हो मेरी बच्चियाँ? माँ, मेरी दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई हैं। हाँ लक्ष्मी, जब हमने घर आकर देखा तो उनके कमरों की दोनों खिड़कियाँ खुली हुई थी। लगता है वो दोनों खिड़की के रास्ते से घर छोड़कर भाग गई हैं। पता नहीं कहाँ होंगी वो दोनों। इतना कहकर मुकेश लक्ष्मी को अपनी बातों में फंसा लेता है, और वही वो दोनों बच्चियाँ उस घर में पड़े पड़े ही अब बड़ी हो जाती है। और कई सालों के बाद मौका देखती ही वो दोनों बहनें वो घर छोड़कर भाग निकलती है। और वही लक्ष्मी को अभी तक अपनी बच्चियों के बारे में कोई खबर तक नहीं मिलती। सुनैना, हमारे पास तो हमारे जादुई हीरे के दांत है, इसकी मदद से तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हमने पिताजी के कैद में अपना पूरा बचपन गुजार दिया, लेकिन अब नहीं, ना तो उन्हें हमारे पहले कदर थी और ना ही अब होगी, इसलिए अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। इतना कहकर नैना और सुनैना ने अपने हीरो के दांतों की मदद से अपने चेहरे पर पैसे खर्च करके अपने चेहरे का रंग गोरा करवाया और अपने लंबे दांतों को भी छोटा करवा लिया, जिसके बाद वो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। और फिर वो दोनों अपना एक बड़ा सा घर लेकर उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ, पिताजी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बेटा, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? अरे पिताजी, मुझे अपने दोस्तों के साथ एक नया बिजनेस शुरू करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन इन पैसों को जरा ध्यान से इस्तेमाल करना। इतना कहकर मुकेश बिट्टू की हर एक नाजायज मांगों को पूरा किया करता था, जिसकी वजह से बिट्टू अपने पिता के पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा दिया करता था और आए दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाया करता था। और ऐसे ही एक दिन मुकेश अपने बेटी की वजह से कर्जे में डूब जाता है और उसे अपना घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और फिर एक दिन जब उसका परिवार मंदिर के बाहर बैठे भीख मांग रहा होता है, तभी वो देखता है कि दो सुंदर सी लड़कियां मंदिर के बाहर गरीबों को दान कर रही होती है। उसी समय जब उन दोनों की नजर अपने परिवार पर पड़ती है तो वो भागकर अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद लक्ष्मी अपने दोनों बच्चियों को गले से लगा लेती है। और उस दिन मुकेश और कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हाथ जोड़कर नैना और सुनैना से माफी मांगते हैं और फिर वो भी अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। चांद पर यूनिकॉर्न के घर।
बहुत समय पहले की बात है, राजपुरा नामक गांव में संजना अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु एक बस एक्सीडेंट में हो जाती है, जिस वजह से संजना इस दुनिया में अकेली रह जाती है। संजना के माता पिता के चले जाने के बाद संजना के सभी रिश्तेदार उससे खफा हो जाते हैं और ना तो कोई उसकी मदद करता है और ना ही उसे कोई सहारा देता है, जिस वजह से दिन पर दिन संजना दिल से मजबूत और शरीर से कठोर होती चली जा रही थी और अपने पालन पोषण के लिए एक बेकरी में काम करने लगती है। संजना बचपन से ही अपना ख्याल रख रही थी, जिस वजह से उसे बेकरी में काम करना आसान लगा और वो अपना पेट पालने के लिए अपने इंटरेस्ट के साथ बेकरी में काम करने लगी। दिन पर दिन काम करते करते उसका हाथ और साफ होता रहता है और उसके केक में जो डिजाइन वो देती थी वो सबसे यूनिक होती थी। बेकरी की मालकिन संजना के काम से बहुत खुश थी। एक दिन संजना यूनिकॉर्न का केक बनाती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि यहाँ पर काम करने वाले पुराने से पुराने एम्प्लॉय भी तुम्हारे आगे फेल है। तुम्हारे केक बहुत यूनिक होते हैं और कस्टमर यूनिक केक मांगते हैं। तुम न्यू जनरेशन की लड़की हो, जिस वजह से तुम्हें लोगों के टेस्ट के बारे में पता है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मालकिन, मैं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए केक बनाती हूँ। मुझे केक बनाना बहुत पसंद है और ये काम इतना आसान है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करना होता है और कस्टमर मेरे काम से खुश हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। संजना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे यहाँ पर काम करती हो। तुम्हारी वजह से हमारे लेटेस्ट ऑर्डर भी बनते रहते हैं और यूनिक डिजाइन भी, जो कस्टमर को बहुत पसंद आती है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा यहाँ पर काम करती रहो। मालकिन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे अपना घर खर्चा चलाने के लिए हमेशा ही आपकी दुकान में काम करना होगा, क्योंकि मुझे काम करना बहुत पसंद है और मैं इसे दिल से करती हूँ। तो आप चिंता ना करें, मैं इस काम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। संजना और संजना की मालकिन के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से संजना को कभी भी वहाँ पर काम करते वक्त टॉर्चर जैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता था। संजना वहाँ काम करके बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दिन पर दिन संजना केक अच्छे से अच्छे बनाती और अपना हाथ साफ करती। इस खुशी से संजना घर जाती कि उसने आज एक नया केक बनाया है। संजना की अचीवमेंट उसके लिए बहुत बड़ी थी। केक के ऑर्डर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और एक दिन की बात है जब संजना देर रात केक बनाती है और उस दिन संजना का बर्थडे भी होता है। संजना को दुकान में रोकने का एक ही बहाना था, जिस वजह से मालकिन उसे काम का कहकर रोक लेती है। रात के 12 बजते हैं और संजना उतनी मेहनत और लगन के साथ केक बना रही होती है। अचानक उसकी मालकिन आती है और एकदम से लाइट बंद कर देती है। अरे, ये लाइट को भी अभी जाना था, इतने सारे ऑर्डर है। कल तक कैसे कम्प्लीट होंगे, मुझे तो चिंता सताई जा रही है और ये लाइट भी चली गई, अब मैं क्या करूं? तभी मालकिन की आवाज आती है। हैप्पी बर्थडे टू यू संजना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। अरे मालकिन, इस सब चीज की क्या जरूरत थी, वही मैं सोचूं, इतने दिनों में कभी लाइट नहीं गई, आज लाइट कैसे चली गई? मुझे तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं था, लेकिन आपने मेरा बर्थडे मनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। दुकान में सभी एम्प्लॉय संजना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर धूमधाम से मोमोज, चौमिन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक आदि खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत डांस भी करते हैं और फिर सभी अपने घर चले जाते हैं। तभी दुकान की मालकिन संजना को एक गिफ्ट देती है। ये लो संजना, ये गिफ्ट मैं तेरे लिए लाई हूँ। संजना गिफ्ट खोलती है। अरे वाह, इतनी सुंदर खूबसूरत ड्रेस, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन मालकिन, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं, मेरे लिए काफी है। कोई बात नहीं, तो मेरी एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि बेटी की तरह हो। संजना अपनी मालकिन का धन्यवाद करती है और अपने घर चली जाती है। घर में जाकर वो अपने गिफ्ट को अलमारी में रख देती है। अरे आज तो मालकिन ने मुझे सरप्राइज ही दे दिया, मालकिन ने मुझे इतना खुश कर दिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरे लिए सरप्राइज भी रखेंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे मालिक कहाँ होते हैं, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे मेरी जिंदगी में एक अच्छी मालकिन मिली है। भगवान ने मेरे माता पिता तो मुझसे छीन लिए, लेकिन आगे की जिंदगी मुझे अच्छी मालकिन देकर आसान कर दी। बर्थडे की शुरुआत मालकिन करती है, लेकिन घर पहुंचकर संजना अपने माता पिता को याद करती है और सो जाती है। सोते सोते अचानक उसे एक आवाज आती है।
मेरी प्यारी बेटी उठो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम काम में बिजी थी जिस वजह से मैं तुम्हें उस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकी। माँ आप आ गई। माँ कहाँ पर हो आप? मुझे आपसे मिलना है। जरूर आप मुझसे मजाक कर रही हो ना? प्लीज मेरे सामने आ जाओ। मैं जानती थी कि आप दोनों कहीं नहीं गई हो और न ही आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है। देखो ना, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। आप प्लीज जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मेरी गुड़िया, अब मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं इस तस्वीर में से तुमसे बात कर रही हूँ। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और अपना काम मेहनत और लगन के साथ करती हो और चार पैसे कमाकर अपना पेट भी भरती हो। आप इस तस्वीर से बात कर रही हैं? अब मुझे दुख हुआ कि आप मेरे सामने नहीं आ सकती। मैं चाहती थी कि आप मेरे सामने आओ और मैं आपको गले लगा सकूं। ऐसा लगता है मानो सदियां बीत गई हो। मैं आपसे सच में मिलना चाहती हूं माँ। बेटी, मैं तुझे मिल तो नहीं सकती, लेकिन तेरे जन्मदिन पर मैं भगवान जी से थोड़ा समय लेकर तेरे पास तुझसे बात करने आई हूँ और मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। इस घर की सीढ़ियाँ एक घंटे तक बादलों में चांद तक जा रही है। तुम इन सीढ़ियों की मदद से चांद पर आ जाओ और चांद पर अपनी जिंदगी आराम से जियो। ठीक है माँ, लेकिन चांद पर मुझे अकेला महसूस होगा, इसलिए मैं यही ठीक हूँ। वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर मैं काम भी करती हूँ और दुकान पर जाकर मेरा मन भी लग जाता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांद पर तुम्हें वो सारे दोस्त मिलेंगे जो तुम चाहती हो, क्योंकि जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें भगवान चांद पर बुलाने का मौका देते हैं। और आज मैं तुम्हें चांद पर ले जा रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारी माँ भी अपने बच्चों को चांद पर ले जाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर संजना अपनी जरूरत का सामान लेकर अपनी छत पर जाती है और सीढ़ियाँ चढ़ती है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते संजना थक जाती है, लेकिन सिर्फ एक घंटे तक सीढ़ियाँ चांद से कनेक्ट थी, जिस वजह से संजना जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ती है और चांद तक पहुँच जाती है। चांद पर पहुँच कर संजना देखती है। अरे वाह, इतना बड़ा यूनिकॉर्न केक का घर। माँ ने सही कहा था, चांद पर बहुत अच्छी दुनिया है। मैं यहाँ पर अपने दोस्त बना लूंगी। संजना जैसे ही यूनिकॉर्न केक घर में जाने लगती है कि तभी यूनिकॉर्न केक घर से आवाज आती है। तुम इस घर में तभी आ सकती हो जब तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये लॉटरी सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं, और तुम्हारी माँ ने अच्छे कर्म किए इसलिए तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला। लेकिन अब तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, तब तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिल जाएगा। चलो तो सवाल शुरू करते हैं। घर है 64 32 16 सफेद, काले 16, 8-8 अफसर दोनों, 8-8 सेवक है साथ। श्याम श्वेत से वर्गों में खूब लड़े और दे मात। हे भगवान, मैं इन सवालों के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। अब मैं इन सवालों का जवाब कैसे दूं? इतनी बड़ी पहेली मुझे समझ नहीं आ रही। 64 32 16, ये सब क्या है? संजना बहुत देर तक सोचती है, जिसके बाद केक का घर कहता है। देखो, माता पिता अपने बच्चों को चांद के घर पर भेज देते हैं, लेकिन ये चांद का घर सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को ही यहाँ पर बुलाता है। जो इस टेस्ट में पास होता है उसी को यहाँ पर आने देते हैं। ऐसे बहुत सारी पहेलियाँ मेरे पास है, लेकिन मुझे लगा तुम इसका जवाब दे दोगी, इसलिए मैंने तुमसे इतना आसान सवाल पूछा। और अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें वापस अपने घर पहुँचना होगा। मुझे चांद का घर बहुत पसंद है और मुझे यहाँ पर रहना है, इसलिए मुझे इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा। संजना अपना सर खुजलाती है और फिर बहुत ध्यान लगाने के बाद कहती है। अरे हाँ, शतरंज की मोहरे। अच्छा, सही जवाब। अच्छा बताओ, वो क्या चीज है जिसे आदमी छुपा कर और औरत दिखा कर चलती है? ये आखिरी सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। इसका जवाब तो मुझे आता है, जैसे माँ अपना पर्स दिखाकर चलती थी और पिताजी छुपाकर। बिल्कुल सही, तुमने सारे जवाब अच्छे से दिए और तुम पास हो गई। तुम इस घर में जा सकती हो और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हो। तुम्हें वहाँ बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। तुम जिसे चाहे उसे अपना दोस्त बना सकती हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ज्यादा दोस्ती दुखदाई होती है, इसलिए कुछ दोस्त बनाना जो तुम्हें बहुत अच्छे लगे। संजना खुशी खुशी अंदर जाती है। अंदर जाकर इतना सुंदर घर देखकर संजना हैरान रह जाती है। उस घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। केक की बातें ध्यान में रखते हुए संजना बहुत कम बच्चों से बात करती है और धीरे धीरे उस घर में सेटल होती है।
वक्त के साथ साथ कुछ बच्चे संजना से बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे संजना उनके बीच में रहते रहते उन्हें पसंद करती है और फिर एक दो सहेलियां बनाती है। सभी बच्चे चांद के यूनिकॉर्न के केक घर में पढ़ते लिखते और अपना ज्यादातर समय चीज सीखने में लगाते और ऐसे ही संजना भी उन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई लिखाई करती और स्किल्स सीखने पर ध्यान देती। धीरे धीरे सभी बच्चों के साथ संजना घुल मिल जाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। संजना के पास केक बनाने की स्किल थी जिस वजह से वो सभी बच्चों को अपनी मेहनत से बनाया हुआ केक खिलाती है और सभी को वो केक बहुत पसंद आता है, जिस वजह से संजना यूनिकॉर्न केक घर में तरह तरह के केक बनाकर बच्चों को हफ्ते में एक दो बार खिलाया करती और इस तरह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती। बादलों में जादुई दो घास का घर। चांदनी और मीना दोनों ही सगी बहनें थी। वो दोनों ही बहनें अनाथ थी। उनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं था। वे दोनों अकेली ही एक छोटे से घर में रहा करती थी। वैसे तो बहनें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त और हालात की मार ने उसे वक्त से पहले ही काफी समझदार बना दिया था। चांदनी बड़ी और मीना छोटी थी। चांदनी बहुत समझदार थी। वो एक माँ की तरह ही अपनी छोटी बहन मीना का ख्याल रखा करती थी। वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वो मीना को पढ़ाने के लिए एक लहंगे की दुकान पर काम किया करती थी। वही मीना भी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वो जो कुछ भी स्कूल में पढ़ती शाम को घर आकर अपनी दीदी को सारी चीजें बताती। दोनों ही बहन बहुत दयालु थी। वो सबकी मदद करती। एक दिन चांदनी सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपने काम पर जाने लगती है। अरे ये क्या दीदी, आप इतनी जल्दी उठकर कहाँ जा रही हो? आप तो 9 बजे दुकान जाती हो ना? नहीं मीना, आज मुझे जल्दी काम पर जाना है क्योंकि दुकान में बहुत काम है। अगर लेट हो गई तो मालिक बहुत गुस्सा करेगा। तुझे तो पता है ना मेरी बहन, वो खड़ूस मालिक कितना बोलता है, खामखा ही सुबह सुबह सुना देगा मुझे। अगर ऐसी बात है तो दीदी आप किस लिए उसकी बात सुनती हो? छोड़ क्यों नहीं देती ऐसी जगह पर से काम? तुझे तो पता ही है मीना, कितनी मुश्किल से मुझे ये काम मिला है और अगर मैंने इसे भी छोड़ दिया तो मैं तेरे स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा कहाँ से लेकर आऊँगी? देखना दीदी, मैं आपकी मेहनत को यूँ जाया नहीं होने दूंगी। मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। उसके बाद मैं आपको कहीं काम पर नहीं जाने दूंगी, बल्कि हमारे घर में भी आपके लिए नौकरानी होगी। और अब ठाट से घर में बैठना और मैं कमाकर आपको खिलाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। चल अब जल्दी से तुम भी उठ जाओ, तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना? हाँ हाँ ठीक है दीदी, उठ जाती हूँ। उसके बाद चांदनी जल्दी जल्दी अपने और मीना के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी मीना भी उठकर किचन आकर अपनी बहन का हाथ बटाने लगती है। अरे अरे तू ये क्या कर रही है? चल तू जल्दी से जा और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा, और जब तक तेरे स्कूल का टाइम नहीं होता तब तक तू अपना पढ़ाई कर। ये सब मैं कर लूँगी, तेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, समझी? हाँ दीदी पता है, लेकिन आप कभी तो मुझे आपकी मदद करने दिया करो। अकेले आप कितना काम करती हो, और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और रही बात पढ़ाई करने की, तो वो तो मैं करती ही हूँ, पूरे दिन तो पढ़ाई ही करती हूँ। ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कह रही हूँ उतना कर और जाकर पढ़ाई कर। ये छोटे मोटे काम तेरे लिए नहीं बने हैं, तुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है, जिसके लिए तुझे अभी से मेहनत करनी होगी। और अगर तू अफसर नहीं बनी तो तुझे जिंदगी भर मुझे ही फिर बिठा कर खिलाना पड़ेगा। ठीक है दीदी जाती हूँ। मीना और चांदनी के बीच बहुत ही प्यार था। वो दोनों बहनें ही एक दूसरे की हिम्मत थी और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। मीना ने तो अपने माँ बाप का कभी चेहरा भी नहीं देखा था, इसलिए वो चांदनी को भगवान की तरह मानती थी और चांदनी भी मीना को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। वो कभी भी उसे अनाथ होने का एहसास नहीं होने देती थी, वो उसके हर जरूरत का अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसी ही एक दिन चांदनी खाना बना रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। काश माँ आज आप हम लोगों के साथ होती तो कितना अच्छा होता। आज आप हम दोनों बहनों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती और हम दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाती और जब घर आती तो फिर से आपके हाथ से बना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता, कितना अच्छा होता ना? लेकिन शायद भगवान जी ने हम दोनों बहनों की किस्मत में ये सुख लिखा ही नहीं है। ये सोचते सोचते चांदनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी मीना चांदनी को रोते हुए देख लेती है और वो पीछे से चांदनी को आवाज लगाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मीना की आवाज़ सुनकर चांदनी जल्दी से अपना आंसू पोंछकर कहती है,
अरे मीना, हो गई तैयार? ले, मैंने तेरे लिए नाश्ता बना दिया है और तेरा टिफिन भी पैक कर दिया है, अब जल्दी से नाश्ता कर ले। तभी मीना हंसते हुए कहती है, मुझे पता है दीदी, आपको बहुत तकलीफ होती है और आप कभी अपने चेहरे पर इन तकलीफों को दिखने नहीं देती, लेकिन आप चिंता मत करो दीदी, बहुत ही जल्दी मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। ठीक है, आप जल्दी से नाश्ता कर ले वरना देर हो जाएगी। उसके बाद दोनों बहनें नाश्ता करके अपने अपने रास्ते निकल जाती है। एक तरफ चांदनी अपने कपड़ों की दुकान पर जाती है और मीना अपने स्कूल की तरफ। चांदनी दिन रात खूब मेहनत करती है, वहीं मीना भी स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और हमेशा अपने क्लास में प्रथम आती है। उसके स्कूल के सभी टीचर मीना को बहुत पसंद करते थे क्योंकि मीना पढ़ाई और व्यवहार दोनों में ही बहुत अच्छी थी। स्कूल के सभी बच्चे मीना को बहुत पसंद करते थे। वहीं उस स्कूल में नाजिया नाम की एक घमंडी लड़की भी थी जो मीना से बहुत जला करती थी। वो मीना को फूटी आंख भी नहीं भाती थी। नाजिया और उसके दोस्त मिलकर मीना को बहुत ही परेशान किया करती थी, लेकिन वो हमेशा नाजिया और उसके दोस्तों को इग्नोर कर दिया करती थी। वो हंसते हंसते उसके सभी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीना स्कूल जा रही थी, तभी नाजिया भी अपने काम से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में कीचड़ था और नाजिया अपने ड्राइवर से कहती है, सुनो, तुम्हें इस तरह से कार चलानी है कि ये सारा कीचड़ उड़कर उस सड़क छाप लड़की पर गिरे। ठीक है बेबी जी। उसके बाद वो ड्राइवर इतनी तेजी से कीचड़ से कार लेकर जाता है जिससे मीना के सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो जाता है। ये देखकर मीना चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ पागल ड्राइवर, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अगर गाड़ी चलाना नहीं आता फिर गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों हो? मेरी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो गई, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? उसके बाद नाजिया अपने कार की खिड़की खोलकर मीना को चढ़ाते हुए वहां से चली जाती है। मीना मायूस होकर वापस से घर जाती है और खुद को अच्छे से साफ करने के बाद वो फिर से स्कूल जाती है, जिसकी वजह से उसे आज स्कूल आने में काफी देर हो जाती है। और जब वो क्लास में पहुंचती है तो क्लास टीचर उसे डांटते हुए कहती है, मीना, तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर तुम्हें आज स्कूल आने में इतनी देर कैसी हो गई? तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, फिर ये गैर जिम्मेदारी वाला काम कैसे? मीना कुछ बोलती उससे पहले ही नाजिया कहती है, मैं कहती थी ना मैम कि ये मीना भी ऐसी ही है, एकदम बदतमीज और गैर जिम्मेदार। मुझे तो पहले से ही पता है, ये बस स्कूल टीचर के सामने अच्छा होने का दिखावा करती है। ये सुनकर मीना गुस्से से कहती है, तुम तो चुप ही रहो, आज तुम्हारी वजह से टीचर जी ने मुझे डांटा है। अगर तुम्हारा वो बदतमीज ड्राइवर सही से गाड़ी चलाता तो ना मुझ पर कीचड़ आता और ना ही मैं आज स्कूल लेट आती। मीना और नाजिया को बहस करता हुआ देखकर टीचर कहती हैं, साइलेंट, दोनों के दोनों अपना मुंह बंद करो और अपने सीट पर जाकर बैठो, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए मीना। ठीक है मैम। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तब नाजिया अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ मीना के रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे इस अनाथ की अकड़ तो देखो, इसके पास ना तो पैसा है और ना ही माँ बाप, फिर भी अकड़ तो देखो कैसे राजकुमारियों वाली है। और तो इसके पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, रोज रोज एक ही यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल आती है, जूते भी फटे हुए। सही कहा नाजिया, वैसे भी बेचारी को ये सब दिलाएगा कौन, इसके तो माँ बाप है ही नहीं, अनाथ कहीं की। ये सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे अम्मा, आप यहाँ ऐसी हालत में क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं तो कब से अपना गिरा हुआ सामान उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है जिससे मैं झुककर इसे उठा सकूं। अम्मा, क्या आप अकेली हैं? आपके साथ और कोई नहीं? नहीं बेटा, इस बेगानी दुनिया में मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है बेटा, और अब तो लगता है मैं भी कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। मैंने पिछले एक हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा, हम है ना? अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरी दीदी बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, आप चलिए मेरे साथ। उसके बाद मीना उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर उनके घर में जो कुछ भी होता है वो उन्हें खाने को देती है। शाम को जब चांदनी काम से घर वापस आती है तो मीना उसे उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सब बताती है। ये सुनकर चांदनी अपनी बहन को शाबाशी देती है और कहती है,
अम्मा आप अब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ अम्मा आप यहाँ आ गई। मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी कि हमारे घर में भी हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई होता, और देखिए भगवान ने आपको भेज दिया। आप आराम करिए अम्मा, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती, लेकिन तुम दोनों बहनों की ईमानदारी और सच्चाई देखकर मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बेटा मैंने अपनी कड़ी मेहनत और जादुई शक्तियों से बादलों में जादुई घास का अनोखा लहंगा घर बनाया है, और वो घर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक दिल और दयालु हो, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। उसके बाद वो जादुई बुढ़िया दोनों बहनों को जादुई कालीन पर बैठाकर बादलों में जादुई घास के लहंगा घर के पास ले जाती है और कहती है, ये दो जादुई घास का घर है, इसलिए दोनों बहनें एक एक घर के अंदर चली जाओ। उसके बाद दोनों बहनें जादुई घास में अलग अलग घर में जाती है, और उस घर के अंदर सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। दोनों बहनें उस घर से काफी सारा धन लेकर बाहर आती है, और फिर जादुई अम्मा के साथ धरती पर आ जाती है और उन पैसों से अपना घर बनवाती है, और चांदनी खुद का कपड़ों का एक बहुत बड़ा शोरूम बनवाती है, और फिर सभी मिलकर उस जादुई बूढ़ी अम्मा के साथ एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब मीना भी खुद के कार से स्कूल जाती है। स्वर्गवासी माँ बाप के सोने के सिक्के। बहुत समय पहले की बात है, दशरथपुरी नामक गांव में दिया बहुत समय से अकेले रह रही थी। दिया के माता पिता का देहांत बहुत सालों पहले ही हो गया था, जिस वजह से दिया अपने घर का खर्चा और अपने पेट पालने के लिए खुद ही अकेले दम पर पैसे कमाया करती थी। दिया को हमेशा से ही पार्लर का काम करना बहुत पसंद था, जिस वजह से दिया पार्लर का काम सीखती है और फिर उसी पार्लर में जॉब करने लगती है। धीरे धीरे दिया के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। दिया उन पैसों से अपने घर में पार्लर का कुछ सामान जैसे फेशियल किट, आईब्रो बनाने वाला धागा, वैक्स, वैक्स हीटर, ये सारी चीज अपने घर पर लाकर रख लेती है, ताकि संडे के दिन जब उसके पार्लर की छुट्टी हो तो वो अपने घर से ही कुछ कस्टमर को अटेंड कर सके और डायरेक्ट पैसा कमा सके। इस बात से बेखबर उसके मालकिन उसे बहुत लाड़ प्यार से रखती थी, क्योंकि दिया शुरुआत से उसके यहाँ पर काम कर रही होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संडे के दिन दिया अपने घर से बाहर मार्केट में जाती है और पार्लर का कुछ सामान खरीद रही होती है कि तभी उसे अपनी मालकिन मार्केट में मिल जाती है। नमस्ते मालकिन, आज आप मार्केट में आई है? तुझे तो पता ही है शादी का सीजन चल रहा है और बहुत सारे कस्टमर वैक्स फेशियल कराने आते हैं, और यही सामान मेरे पास कम था इसलिए मैं फेशियल किट और वैक्स लेने आई हूँ। लेकिन तू क्या कर रही है इस मार्केट में? वो मेरे घर में भी शादी का सीजन आ रहा है और घर में कोई होता नहीं है जिससे मैं कह दूँ, और वो सामान ले आई, इसलिए संडे का दिन था तो मैं खुद ही मार्केट में आ गई। मुझे अपने लिए हेयर ऑयल, वैक्स और मेहंदी लेनी है। दिया अपनी मालकिन के सामने सारी बातें घुमा देती है और वो सारा सामान अपने लिए बताकर बात खत्म कर देती है और वहाँ से सामान लेकर घर पहुँचती है। दिया बहुत ज्यादा सीधी होती है, जिस वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं। घर पहुँचती ही दिया के घर में पड़ोस की दो आंटी आती है। दिया बेटा, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है और शादी से पहले बहुत सारी रस्में होती है, जैसे हल्दी, मेहंदी, और तुझे तो पता ही है हम इतना पैसा नहीं लगा सकते कि हम अपनी बेटी का सारा पार्लर का काम बाहर से करवाएं, इसलिए तू ही मेरी बेटी की शादी में उसका फेशियल, वैक्सिंग और जो भी एक दुल्हन करवाती है वो कर दियो। आंटी आपको तो पता ही है कि मैं जॉब करती हूँ, संडे की वजह से मैं आज बाहर मार्केट में सामान लेने गई थी, लेकिन मैं हमेशा फ्री नहीं होती। अगर आपको काम करवाना है तो मैं ये सारा काम रात को कर सकती हूँ। दिया की बातें सुनकर दिया की पड़ोस की आंटी थोड़ा बहुत सोचती है और फिर आपस में बातें करके दिया से कहती है, बेटा हम चाहते हैं कि तुम ही हमारी बच्ची का मेकअप करो, मेहंदी लगाओ और जो भी एक दुल्हन करवाती है, और हम इसके अच्छे पैसे तुम्हें देंगे। नहीं नहीं आंटी, आपसे किस बात के पैसे लेने, आप तो मेरी आंटी की तरह हो।
हाँ मेरी गुड़िया, एक तू ही तो है जो हमें समझती है। 5 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और तुझे अभी से मेरी बेटी के लिए समय निकालना पड़ेगा और देर रात तक तुझे घर में बाकी और लोगों का भी ध्यान रखना होगा। मेरा कोई भी रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। दिया की पड़ोसन आंटी बहुत ज्यादा चालाक और तेज होती है, जिस वजह से वो दिया को बातों में उलझाकर उसे फ्री में सारे काम करवाने के लिए हाँ करवा लेती है। इसके बाद दिया समझ जाती है कि वो सारा काम करेगी लेकिन उसका उसे एक भी रुपया नहीं मिलेगा। दिया पार्लर जाती, पार्लर से फ्री होकर जब शाम को घर वापस आती तो अपनी पड़ोसन के घर चली जाती। वहाँ जाकर पड़ोसन आंटी की बेटी प्रिया का फेशियल करती, फिर इसी तरह अगली रात जाती तो फुल बॉडी वैक्स करती। ये सारे काम बहुत ज्यादा कठिन थे जो दिया को अकेले ही करने पड़ रहे थे। ये सब काम करके दिया थक जाती और थोड़ा बहुत खा पी कर अपने घर सो जाती। अगले दिन हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। दिया सुबह तैयार होकर पार्लर के लिए निकल रही होती है कि तभी पड़ोसन आंटी उसे रोक लेती है। बेटा आज तो पार्लर मत जा, क्योंकि आज तो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है और ये सारा काम तुझे ही करना है। आंटी आप मुझे किसी भी काम का पैसा नहीं दे रही। आंटी आप मुझे किसी भी काम का पैसा नहीं दे रही हो और ना ही आपने अपना सामान दिया। आपने ऑलरेडी मेरा बहुत समय खराब कर दिया है। मैं रात को ही आ सकती हूँ और तो और मेरी जॉब का पैसा कटेगा वो अलग। मैं इतना लॉस नहीं होने दे सकती अपना। वैसे तो तू अपने आप को मेरी बेटी कहती है और अब तू पीछे हट रही है। दिया जैसे तैसे बातें घुमाकर अपने पार्लर के लिए निकल जाती है और अपने पार्लर में पहुंचकर काम संभालती है। रात को थक हार कर अपने घर वापस आती है और अपनी पड़ोसन आंटी के घर चली जाती है। बेटा तुझे पूरे घर को मेहंदी लगानी है, कम से कम 15 औरतें हैं, क्या तू लगा देगी? नहीं आंटी, मैं मुश्किल से 5 या 6 औरतों को ही लगा सकती हूँ और एक प्रिया को। दिया की बातें सुनकर उसके पड़ोसन आंटी एक मेहंदी वाले को बुला लेती है। दिया और वो मेहंदी वाला लड़का मिलकर सभी को मेहंदी लगा देता है। देर रात को दिया अपने घर वापस लौटती है और सो जाती है। अगले दिन दिया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। दिया को ढंग से आराम ना मिलने की वजह से थकावट हो जाती है और वो बुखार में अपने घर में पड़ी रहती है और एक हफ्ते तक पार्लर नहीं जाती। उसी बीच उसकी पार्लर वाली मालकिन दिया के घर के आसपास आती है और उसे पता चलता है कि दिया रात दिन यहाँ पर शादी का काम कर रही है और जिस वजह से थक हार के उसकी तबीयत खराब हो गई। ये सब सुनकर मालकिन गुस्से में आ जाती है और इस वजह से उसकी पार्लर वाली मालकिन दिया की जगह कोई और लड़की रख लेती है। कुछ दिनों बाद जब दिया ठीक होकर अपने पार्लर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी जगह कोई और लड़की काम कर रही है। तभी दिया अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आप मेरी जगह कोई और लड़की को कैसे रख सकती हो? आपको तो पता है मैं आपके यहाँ बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हूँ। यहाँ पर काम करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है और मैं यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी चला रही हूँ। ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तेरी तबीयत क्यों बिगड़ी है। तूने इतनी मेहनत करी है कि अपने पड़ोसन आंटी के यहाँ शादी का काम संभाल लिया और रातों रात उनके घर बैठकर मेहंदी लगाई, जिस वजह से तुझे आराम करने को नहीं मिला, इसलिए तेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ मैंने उनके यहाँ पर काम किया है लेकिन मुझे इसका एक पैसा नहीं मिला। पड़ोसन आंटी मेरे पड़ोस में रहती है जिस वजह से मुझे उनका सारा काम मुफ्त में करना पड़ा। अरे मुझे कहानी मत सुना, मुझे तुझसे कोई काम नहीं कराना और मैंने तेरी जगह कोई और लड़की रख ली है। अब तू मेरे यहाँ पर काम करने नहीं आएगी और ना ही मुझे तेरी जरूरत है। तूने मेरे साथ धोखा किया है और पीछे से तूने पैसा भी कमाया है। दिया की तबीयत अभी ढंग से ठीक भी नहीं हो पाई थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। दिया अपना घर खर्च पार्लर में काम करके चला रही थी और अब उसके पास किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं रहती, जिस वजह से दिया के हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं और दिया घर में पड़े पड़े अपने घर चलाने के बारे में सोच रही होती है। हे भगवान, हम सीधे लोगों के साथ गलत क्यों होता है? मैंने तो काम का एक रुपया तक नहीं लिया और मेरे मालकिन को लगता है कि मैं पीछे से कमाई कर ली, और तो और उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा? दिया ये सब सोच रही होती है और रो रही होती है। तभी पास में दीवार पर लगी हुए फोटो में से उसके स्वर्गवासी माता पिता की फोटो में से आवाज आती है, मेरी प्यारी बेटी तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, सुनो उठो और मेरे पास आओ।
माँ आप कहाँ से बोल रही हो, मेरे सामने आओ, मुझे ऐसे मत तड़पाओ, मैं सच में आपसे मिलना चाहती हूँ। ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ पर गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, और तो और मेरे मालकिन ने मुझे अपनी बात रखने भी नहीं दी और काम से निकाल दिया। माँ मुझे आपसे मिलना है। मेरी प्यारी गुड़िया, हम तुमसे मिल तो नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, तेरे पिताजी और मैं तेरी मदद करना चाहते हैं। बेटा तूने अकेले दम पर अपना पेट पाला, हम ये देखकर बहुत खुश हैं। तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दिया के माता पिता ये सब बोल रहे होते हैं और दिया उनके पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी उसके माता पिता उसे सोने के सिक्के देते हैं। बेटा हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें स्वर्ग में सोने के सिक्के मिले हैं जो हम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें स्वर्ग में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और हम तेरी मदद करने यहाँ आए हैं। ये सारे सोने के सिक्के तू अपने पास रख ले और इन्हें बेचकर तू अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है। अपने पिता की बातें सुनकर दिया को बहुत अच्छा लगता है और दिया अपने माता पिता को धन्यवाद करती है। पिताजी मुझसे जितना हो सका मैंने उतना पैसा कमाया, लेकिन मैंने मुफ्त में काम किया जिसका मुझे ना तो पैसा मिला और ना ही कुछ, बल्कि मेरी नौकरी भी चली गई और अब मेरे मालकिन मेरे पर भरोसा भी नहीं करती, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि इस जालिम दुनिया से आपने मुझे बचा लिया। दिया के माता पिता दिया को सोने के सिक्के देकर वहाँ से चले जाते हैं। दिया उन सोने के सिक्कों को लेकर सुनार के पास जाती है और वहाँ जाकर उन्हें बेच देती है। सोने के सिक्के बेचकर दिया को अच्छी खासी रकम मिल जाती है और वो उन पैसों को लेकर अपने घर के बाहर एक पार्लर का बोर्ड लगाती है। दिया अपना काम अब घर से करने लगती है और पार्लर की जरूरत की सारी चीज वो घर में ले आती है। दिया को उन सोने के सिक्कों से बहुत मदद मिलती है और वो अपना पार्लर घर से चलाने लगती है। समय के साथ साथ दिया का पार्लर चलने लगता है और उसे अच्छा पैसा मिलने लगता है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे दिया खूब पैसा इकट्ठा कर लेती है और दिया उस गांव से दूर जाकर शहर के किनारे अपना एक छोटा सा कमरा खरीदती है। इसके बाद एक दुकान खोलती है जिसमें दिया अपना खुद का पार्लर चलाती है। शहर पहुंच जाने की वजह से दिया को उसकी मेहनत का पैसा मिलता है और दिया वहां खुशी खुशी बहुत कमाई करती है और अपना गुजारा अच्छे से करती है। दिया की तरक्की दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और दिया के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाता है। दिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती है। अब दिया के पास किसी बात की कोई कमी नहीं होती। दिया जब चाहे तब अपने पार्लर में काम करती और जरूरत पड़ने पर आराम भी कर लेती है। दिया अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करती है और ये सब देखकर उसके स्वर्गवासी माँ पिता बहुत खुश होते हैं। दिया की मालकिन को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि दिया ने उस काम का एक पैसा नहीं लिया और ये सब सुनकर दिया की मालकिन को उसकी गलती का एहसास होता है और वो दिया के पार्लर में चलकर आती है और दिया से माफी मांगती है। ये सब देखकर दिया अपनी मालकिन को माफ कर देती है, लेकिन अब दिया का खुद का पार्लर होता है इसलिए दिया को अपनी मालकिन के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती। दिया की तरक्की देखकर दिया की मालकिन भी बहुत खुश होती है और दिया को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है और दिया हंसी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में थोड़ी दूर पर एक बाजार लगता था। बाजार में जितेंद्र अपनी रेड़ी पर सब्जी बेचता था। वही जितेंद्र से थोड़ा दूर सुरेश नाम का एक आदमी भी सब्जी बेचता था। जितेंद्र सुबह अपने खेत से सब्जियां तोड़ता और फिर शाम को बाजार में बेचने जाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, सीताफल ले लो, टमाटर ले लो, ले लो ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आ गया आपके इलाके में ताजा और सस्ती सब्जी वाला, सब्जी ले लो। जितेंद्र की सब्जी की रेड़ी पर बहुत ग्राहक जमा हो जाते हैं और सभी लोग जितेंद्र से सब्जी खरीदने लगते हैं। इस बात से सुरेश को बहुत गुस्सा आता है। अगर मैंने जल्दी इस जितेंद्र का कुछ नहीं किया तो मुझे गांव छोड़कर जाना होगा, परंतु मैं गांव छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसको बिजनेस में घाटा हो जाए और मेरी जगह ये गांव छोड़कर जाए। सुरेश जितेंद्र को गांव से भगाने की प्लानिंग कर रहा था।
तभी वहाँ पर कुछ लोग सब्जी लेने आते हैं। सुरेश गुस्से में उन्हें वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो सभी लोग भी जितेंद्र की रेड़ी पर सब्जी लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुरेश की पत्नी शांति वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर खड़े खड़े मक्खी मारते रहते हो, तुम्हारे पास सब्जी बेचने के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं है, परंतु उसमें भी तुम अच्छे से मन लगाकर काम नहीं करते हो और खड़े खड़े बस मक्खी मारते रहते हो। जितेंद्र की रेड़ी पर देख रहे हो कितनी भीड़ है। अरे तो भाग्यवान, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग जितेंद्र की रेड़ी पर सब्जी लेने जाते हैं, मैं तो हर बार कोशिश करता हूँ जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी दुकान पर आए, परंतु पता नहीं क्यों लोगों को जितेंद्र की रेड़ी पर जाने की आदत हो गई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी भोले क्यों बन रहे हो। जब से तुमने सब्जी का काम शुरू कराया तब से लेकर आज तक तुमने कभी ग्राहक से अच्छे से बात नहीं करी, और ऊपर से तुम एक दो दिन पुरानी सब्जियों को बहुत महंगे दाम पर बेचते हो, परंतु जितेंद्र की सब्जियां उसके खेत की ताजी सब्जियां होती है। अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता वो अपने खेत में खुद सब्जियां उगाता है, इसलिए उसे सस्ते में पड़ जाती है, परंतु हमारे पास तो खेत है ही नहीं, और अगर मैं जितेंद्र की तरह ताजी सब्जियां लाऊंगा तो वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। देखो जी, मैं सब जानती हूँ, अब इस तरह बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आपके कारनामे ही ऐसे हैं और फिर दूसरों की गलती बताते हो। ए, अब तो ज्यादा बोल रही है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। एक तो सुबह से बोरी नहीं हुई और ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। जब देखो मेरा दिमाग खराब करने के लिए मुंह उठाकर आ जाती है। सुरेश गुस्सा करके अपनी पत्नी शांति को वहाँ से भगा देता है। सुरेश रात में अपनी रेड़ी लेकर घर की ओर आ रहा होता है, तब भी वो जितेंद्र के बारे में ही सोच रहा था। इस तरह कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, परंतु अब सुरेश का पारा हाई हो जाता है और वो एक दिन कुछ गुंडों के पास जाता है और उनसे कहता है, कालू दादा की जय हो। दादा, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मेरी सब्जी की रेड़ी के बगल में एक जितेंद्र नाम का सब्जी वाला लगाता है। उसकी सब्जियां इतनी ताजी और सस्ती होती है कि कोई भी ग्राहक मेरे पास सब्जी लेने नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रात आप उसके साथ कुछ ऐसा करो जिसके बाद वो मुझसे कभी पंगा ना ले। सुरेश, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, परंतु इसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे ये काम करवाने के लिए बाहर से आदमियों को बुलाना होगा। दादा, आप पैसों की चिंता मत करो, आप जितना बोलोगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा काम हो जाना चाहिए। इस तरह सुरेश थोड़े एडवांस पैसे दे देता है। इसके बाद सुरेश खुशी खुशी अपने घर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र अपनी पत्नी साक्षी के साथ बातें कर रहा होता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तुम्हें पता है साक्षी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब हमें किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात कालू दादा अपने एक आदमी को भेजकर जितेंद्र के खेत में पानी भर देता है और अपने दूसरे आदमी से बोलकर जितेंद्र की रेड़ी और उस पर रखी सब्जी चोरी करवा लेता है। अगली सुबह जब जितेंद्र खेत पर जाने के लिए सुबह जल्दी उठता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर उसकी सब्जी की रेड़ी नहीं है। ये देखकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी साक्षी को बुलाता है। साक्षी रेड़ी ना देखकर हैरान रह जाती है, परंतु इसके बाद साक्षी जितेंद्र को बहुत समझाती है कि वो खेत से सब्जियां तोड़कर टोकरी में भरकर बेच सकता है। इसके बाद जितेंद्र खाली टोकरी लेकर खेत जाता है। थोड़ी देर बाद जितेंद्र खेत पर पहुंच जाता है। जितेंद्र देखता है कि उसके खेत में पानी भरा हुआ है और सारी सब्जी सड़ गई है। ये देखकर जितेंद्र वहीं खड़े खड़े रोने लगता है। इस तरह थोड़ी देर बाद जितेंद्र खाली टोकरी लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। साक्षी, जरूरी किसी ने जानबूझकर किया है। देखो जी, ये जिसने भी किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, परंतु अब इस तरह दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो कल की तोड़ी हुई थोड़ी बहुत सब्जी है, आप वो टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए चले जाइए, जिससे आज के खाने के लिए पैसे आ जाएंगे। जितेंद्र अपनी पत्नी की बात समझ जाता है। जितेंद्र घर पर रखी हुई थोड़ी बहुत सब्जी टोकरी में रख लेता है और बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। इस तरह थोड़ी देर बाद जितेंद्र बाजार में खड़ा हो जाता है।
आज जितेंद्र की सब्जी ताजी न होने के कारण कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आता और सब सुरेश के रेड़ी पर सब्जी लेने जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और जितेंद्र से कहती है, बेटा आज मेरे घर पर मेरी पोती को देखने लड़के वाले आए हैं और उन सभी की ये इच्छा है कि उन्हें मिक्स वेज सब्जी खानी है, परंतु बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मिक्स वेज के लिए 7-8 सब्जियां खरीद सकूं। बेटा तुम मुझे थोड़ी बहुत सब्जी दे दो, अगर तुम मुझे सब्जी दे दोगे तो मेरी पोती का रिश्ता हो जाएगा, वरना मेरी पोती का रिश्ता टूट जाएगा। अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप ये सारी सब्जियाँ ले जाइए और इसके बदले में मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, आप अपनी पोती का रिश्ता पक्का कर दीजिए। इस तरह जितेंद्र उस बूढ़ी औरत को सब्जी देने के लिए तैयार हो जाता है। जितेंद्र का नेक दिल देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और एक परी में बदल जाती है। अपने सामने परी को देखकर जितेंद्र हैरान रह जाता है। जितेंद्र घबराओ मत, मैं एक अच्छी परी हूँ और मैं लोगों की सहायता करती हूँ। जितेंद्र तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, मुझे परी लोग से यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो, ये कुछ जादुई बीज है। परंतु परी जी, ये जादुई बीज मेरे किस तरह से सहायता करेंगी? जितेंद्र तुम ये बीज अपने खेत में डाल देना, तुम इन बीजों से अपने खेत में जादुई मेकअप का सामान उगा सकते हो। वो मेकअप का सामान लोगों की त्वचा को अच्छा बनाएगा, जिससे लोगों को तुम्हारा मेकअप का सामान इस्तेमाल करने की आदत हो जाएगी, जिससे तुम्हारी ज्यादा कमाई होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अलावा ये बीज किसी और ने उगाए उसके साथ बहुत बुरा होगा। परी जितेंद्र को वो बीज दे देती है। जितेंद्र परी का धन्यवाद करता है। इसके बाद जितेंद्र अपनी सब्जी के साथ वो बीज भी घर ले आता है। आज जितेंद्र बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। जितेंद्र की पत्नी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो हंसी में टाल देती है। जितेंद्र वो बीज लेकर अपने खेत पर पहुँच जाता है। इसके बाद जितेंद्र वो सभी बीज खेत में डाल देता है। अगले सुबह जब जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ खेत पर आता है तो वो देखते हैं कि उसके खेत में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के मेकअप के सामान थे। ये देखकर जितेंद्र खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। तुमने देखा, ये सभी जादुई मेकअप का सामान है और ये सारी त्वचा के लिए अच्छा है, इसलिए जो भी औरत तुम्हारे पास एक बार मेकअप का सामान लेने आएगी वो दोबारा तुम्हारे पास ही आएगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। जितेंद्र की पत्नी साक्षी को भी जितेंद्र की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद जितेंद्र और उसकी पत्नी बहुत सारा मेकअप का सामान तोड़ लेते हैं। इसके बाद जितेंद्र वो सभी मेकअप का सामान लेकर बाजार में पहुंच जाता है। जितेंद्र सब्जी ना बेचकर मेकअप का सामान बेचता है। ये देखकर सुरेश खुश होता है। धीरे धीरे करके जितेंद्र के पास पहले की तरह भीड़ हो जाती है और इस तरह उस दिन के बाद जितेंद्र को फिर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं और उसे बहुत नुकसान होता है। कुछ महीनों बाद जितेंद्र एक बहुत बड़ी मेकअप के सामान की फैक्ट्री शुरू करता है और खुशी से रहता है।